क्या बात है, क्या बात है भाई। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू एक्सप्लोर विद अंकित। और भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो भाई आज है संडे और हम लोग निकल गए, मतलब आपका भाई निकल गया संडे राइड पे अपने डोमिनार के साथ। क्या है ना कि भाई काफ़ी दिन से राइड नहीं आ पा रही थी, मतलब काफ़ी दिन से मैं यही सोच रहा था कि भाई आज मैं संडे राइड पे जाऊँगा, आज मैं संडे, मतलब संडे राइड हो ही नहीं पा रही थी। तो भाई अकेला संडे राइड पे निकल गया है गाइस। मैंने कहा भाई चले या साला ना चले, मेरे को राइड करनी है भाई, बड़ी दिन से मन हो रहा है और वीडियो भी नहीं आ रही थी संडे राइड की, सबसे बड़ी बात। तो आज आपका भाई आपके लिए संडे राइड की वीडियो लेके आया है। इन वाले ग्लव्स के अंदर भी ठंड लग रही है भाई, ये कोई ठंड को रोक नहीं पा रहे हैं और जैकेट के अंदर भी ठंड घुस रही है। तो भाई हल्की हल्की ना ओस पड़ी हुई है और इससे पता लग रहा है कि हाँ भाई एक्चुअल में रात में ठंड बहुत ज़्यादा सही पड़ती है और सुबह भी यार अभी तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब ये लगाओ कि ग्लव्स के अंदर और जैकेट के अंदर थर्मल भी लगाया हुआ है तब भी भाई ठंड लग रही है मुझे। ठंड को तो सहन करना ही पड़ेगा और राइड भी करनी पड़ेगी। और मैंने सोचा था आज मैं 6 बजे निकल जाऊँगा, बट आपके भाई को हो गए हैं 6:35 और 6:40, मतलब 6:35 में घर से निकला था, 6:40 हो गए हैं अभी। हमें राइडर्स दिखने स्टार्ट हुए, मैं बड़ी देर से अकेला अकेला चल रहा था तो भाई फील हो रहा था कि हाँ भाई अकेले अकेले चल रहा है, कहीं राइडर्स तो दिखे। यार पीछे हमने 2 राइडर्स को छोड़ा, आगे हमने 2 राइडर्स हैं। तो भाई मैं 10 मिनट में दिल्ली के एंड पहुंच गया और वो भी बिल्कुल आराम से चला के लाता है, ऐसा नहीं कि मैंने तेज चलाई है। ओह इट्स फन गाइस, इट्स फन यार, राइडिंग इज फन फॉर मी। जिस जिस भाई को मेरे को ज्वाइन करना है भाई मेरे को ज्वाइन कर सकता है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ से ज्वाइन करके और मेरे साथ राइड कर सकता है भाई। मज़ा बहुत आता है राइड करने में, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। और ये स्पीड का कैमरा था, नो वरीज, अब निकलना है तो निकलना है ना भाई। तो हम लोग चढ़ गए हैं, मतलब आपका जो गुड़गांव वाला हाईवे है, संडे का दिन है फिर भी लोग देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके कैसे निकले हुए हैं और ट्रक भी चल रहे हैं, तो सेफ राइड करना सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि पता नहीं यार ट्रक वाले शायद से सोए हैं, नहीं सोए हैं, नींद पूरी हुई नहीं हुई, कहाँ काट दें समझ नहीं आता। अरे बहुत सारे राइडर्स अभी बाइक लगा के खड़े होंगे। इन जस्ट 25 मिनट्स आई एम एट एम्बियंस और वो भी मैं आराम आराम से चला के आ रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल। देखो कितने सारे राइडर्स खड़े हुए हैं भाई, भाई साहब। और देखो सूर्य देवता ने हमें दर्शन दे दिए हैं, तो भाई मोटे बंदे को पकड़ के पीछे कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, इट्स टू मच फन। वो कहना धीरे चले सुरक्षित चले, भाई कैसे धीरे चले, कैसे दिल है कि मानता नहीं। बीच में मिल गए हैं एक भाई साहब, वो बोल रहे हैं हीरो होंडा चौक की तरफ जाओगे क्या, तो आई सेड यस एंड नाउ ही इज कमिंग। बैठ गए, चलिए अब मुझे चलानी होगी धीरे क्योंकि भाई साहब पीछे बैठ चुके हैं। यहीं पर ना, चलिए चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम? नाम सर सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, ओके। कितना टाइम लगता है आने में? आने में वैसे लगती है 20-25 मिनट लग जाती है गाड़ी से। मैंने कितना टाइम में छोड़ दिया? आपने तो 5-6 मिनट लगाई सर। 5-6 मिनट चलो बढ़िया, अच्छी बात है पहले पहुंच गए। अब ये मिले थे अपने को, तो ये चाह रहे थे मैं इनको ड्रॉप करूं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई ड्रॉप कर देता हूँ,
और जनरली उनको लगते हैं 20 से 25 मिनट, मैंने उनको ड्रॉप कर दिया 5 से 6 मिनट में। मेरे को पता नहीं कि हमें मुड़ना किधर की साइड है, तो आई हैव टू लुक इनटू द नेविगेशन। ये हम लोग पहुंच गए हैं मानेसर का टोल प्लाजा। देखो हम अरावली पे चढ़ने वाले हैं, वो देखो वो पहाड़ दिख रहा है। मैं काम करता हूँ ना, पीछे वाले जो बाइकर्स हैं उनको आगे निकलने देता हूँ, और ऐसा लग रहा है मैं इन लोग के काफिले में चल रहा हूँ। दीज आर माई फ्रेंड्स, वैसे एक राइडर के सारे राइडर फ्रेंड्स ही होते हैं। ओ भाई पीछे तो राइडर ही राइडर है, इसकी जे बात जे बात। मैन ये तो रॉयल इनफील्ड ग्रुप लग रहा था मैन। क्या ले चाई है। तो भाई ये रोड ना बहुत ही सेक्सी है, बहुत ही सेक्सी है। दोनों तरफ आप लोग को पूरी झाड़ियां वाड़िया, ग्रीनरी पूरी ऐसे दिखने वाली है कि हरा भरा। तो देखते हैं सबसे पहले क्राउड कहाँ बढ़ गया है। दिस इज द राठी कैफे। और भाई ये तो खाली वर्ड है मैन, मतलब अभी लास्ट टाइम जब मैं राइड पे आया था आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था राठी कैफे। तो मैं कहना मैं थोड़ा सा और आगे देख के आता हूँ, और मैं पहली बार इतना आ गया हूँ, वरना मैं राठी कैफे से मुड़ ही जाता हूँ। तो आई थॉट वाई नॉट टू गो आगे। राइडर्स पैराडाइज, सो दिस इज द राइडर्स पैराडाइज कैफे। इसको तो मैंने कभी नहीं देखा था। Let's go. भाई सुबह सुबह पैक चल रहा है बंदे के, अरे लग तो सही रहा है। ये हमने लगा दी अपनी बाइक यहाँ पर, और ये वाला वाइजर कैसा लग रहा है ये बता देना। यहाँ पर मैं इस कैफे के ऊपर आया था, बट यहाँ पर क्या है ना, पार्टी वार्टी चल रही है। अपनी बाइक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा दी थी, मैंने सोचा था यहाँ पर बैठ के थोड़ा कॉफी शॉपी मारे, बट यार कॉफी शॉपी मारने वाला माहौल देखने लगा, क्योंकि ऐसे पार्टी में आ रहे हैं ना वन पीस पहन पहन के लड़के आ रही है। तो क्राउड अच्छा है, बट एक प्राइवेट पार्टी चल रही है आगे। तो अभी आप लोग को अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो कैफे बड़ा सुंदर है, बट यहाँ चल प्राइवेट पार्टी रही है। ये देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और गाड़ियाँ आए जा रही हैं, मतलब राइडर्स कम और यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं। भाई कैफे बहुत सुंदर था, एक कॉफ़ी मंगाई, कॉफ़ी लेके आने में बंदे ने 10 घंटे लगा दिए। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। तो भाई आगे से एक और छोटा सा रास्ता जा रहा है, बट वहाँ से वैली व्यू है, और मेरे गोप्रो की बैटरी पूरी जा चुकी है। और ये आपका पड़ता है यहाँ पर जंगली कैफे। तो बड़ा मतलब छोटा मोटा थोड़ा बहुत ऑफ रोड से आए हैं हम लोग, और आगे मैं जाने की सोच रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम यार? मोहक। मोहक, तो मोहक भाई मिले अपनी जिक्सर SF पे। लेट्स गो यार, चलते हैं आगे, देखते तो हैं। चलो आगे चलते हैं फिर देखते हैं। वैसे GoPro से मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगा, बट आगे जाके मैं व्यू आपको जरूर दिखा दूंगा कि कैसे है। व्यू आ गया ना अपने साथ के भाई यहाँ से था बहुत ही गंदे वाली ऑफ रोडिंग, और भाई ने कभी चला ही नहीं है। और ये देखो एक भाई यहाँ से वापस भी आ रहा है अपनी बुलेट लेके। ज़्यादा ऑफ रोड है, ऑफ रोड ज़्यादा है आगे। मैंने सोचा कि पैदल ही चल पड़ते हैं, बिकॉज GoPro में भी इतना ज़्यादा बैटरी है नहीं, बैटरी का बिल्कुल ही डेड हो गया है, और दूसरी बैटरीज मैं लेके आया नहीं। तो आगे देखते हैं कैसा कुछ नज़ारा है, और आप लोग को भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो गाइस। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ से बाइक वाइक तो आराम से निकल सकती है,
देखते हैं आगे, क्या पता कोई प्रॉब्लम वाली जगह है जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ से बाइक नहीं निकल सकती, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो यार कुछ कुछ ऐसा रास्ता मिलता है, मुझे लगता नहीं कि इतना इजी होगा यहाँ पे राइडिंग करना। फोटोग्राफी वगैरह कर लिया, मैं अपने इंस्टा पे सारी फोटोज अपलोड कर दूंगा। और यहाँ से अभी हम लोग निकलने वाले हैं, सारी बाइक वैसे निकल चुकी हैं वापस, सारे कैफे देखते रहेंगे जहाँ पर हमें अच्छा बढ़िया चाय मिल जाएगा वहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं। ना भाई बहुत सारी जगह हम लोग घूम के आए, लेकिन अपने को चाहिए था थोड़ा सा पीस। हाँ हम लोग भाई मतलब आपका बहुत सारे कैफे देखे आए, क्राउडेड कैफे भी थे, बहुत बढ़िया कैफेज भी थे, बट हमने सोचा कि भाई इतनी ऐसी जगह पर आए हैं तो थोड़ा सा पीस चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पीस मिल रहा है, बट स्टिल इट्स क्वाइट बेटर देन अदर प्लेसेस। और यहाँ हमने अपनी बाइक्स वगैरह पार्क कर दी हैं, इसके बाद हमने दो कॉफ़ी मंगा ली हैं, पानी की बॉटल मंगा ली है, और कॉफ़ी वगैरह मारते हैं उसके बाद सीधा हम लोग निकलते हैं घर की साइड। तो मैं थोड़ा सा आपको हैप्पी पाई कैफ़े दिखा देता हूँ। वैसे मैं पहली वाली वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ, उसके अलावा मैंने आज वाली वीडियो में बहुत सारे कैफ़ेज़ और भी दिखाए हैं। सो लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक एट द कैफे। दिस इज मोहक, सो मोहक से हाय इन द व्लॉग। यार हमने मंगा ली है दो कॉफी कुल्लड़ वाली। फाइनली गाइस आफ्टर हैविंग अ कॉफी वी आर लीविंग फ्रॉम हेयर। उसी के साथ व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और किसी भी भाई को अगर मेरे साथ राइड करनी है तो ही कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, और मिलते हैं इसी के साथ किसी सक्सेस वीडियो में, और हो सकता है शायद से मैं किसी लंबी राइड पे भी निकलूं। और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू।